नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार जांच कर रही है। 200 करोड़ रुपए के वसूली केस में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने आज जैकलिन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसको लेकर जैकलिन ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी जैकलिन से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के सिलसिले में पूछताछ करेगी। ये पूछताछ 5 घंटे से ज्यादा समय तक चल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी ने जैकलिन के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है। इस मामले में जैकलिन से 2 बार पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा था कि वो ठग का शिकार हुई है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में दिल्ली में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गवाह के रूप में उनका बयान दर्ज किया गया था। जैकलिन फर्नांडिस को इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी रोका गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर जैकलिन से घंटों पूछताछ की गई और फिर उन्हें छोड़ा गया था। जैकलिन पर भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि जैकलिन की सुकेश संग कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों खबर आई थी कि जैकलिन और सुकेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद इन तस्वीरों के सामने आने से हड़कंप मच गया। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी नज़दीकियों की फोटोग्राफ्स बाहर आने के बाद उन पर ईडी ने फिर से शिकंजा कसा है। सुकेश चंद्रशेखर पर बेंगलुरु और चेन्नई में 15 FIR दर्ज हैं। वो बड़े कारोबारियों को लोन दिलाने और उनके लीगल केसों को निपटाने के लिए बहाने से पैसा लिया करता था और फिर वो पैसा लेकर गायब हो जाता था। ईडी ने इस मामले में नोरा फतेही को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और नोरा फतेही से भी घंटों पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर पहले ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और अभी दिल्ली की रोहिणी जेल में वो बंद है। सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल के अंदर ही बैठकर 200 करोड़ रुपए की वसूली का बड़ा रैकेट चलाया। सुकेश के खिलाफ चल रहे इस पूरे केस में जैकलिन को एक मुख्य गवाह के तौर पर रखा गया है और जैकलिन से लगातार ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।